अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो हम आ चुके हैं देवा शरीफ में, शाम के 5:30 बजे हम पहुँचे हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो हम जा रहे हैं लखनऊ से देवा शरीफ दरगाह। यहाँ लखनऊ से तकरीबन 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। मिलते हैं बहुत ही जल्द। लेकिन हम आगे गली है, गली को उतार रहे हैं, गली से निकल जाना, आगे निकलोगे मजार के पास, वहीं से वापस आ जाना। हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और मारूफ है, एक ऐसे अल्लाह के वली जिन्होंने बगैर चप्पल अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, एक ऐसे अल्लाह वाले जो हमेशा अहराम बांधे हुए रहते, एक ऐसे अल्लाह वाले जो चलते तो दरिया भी इन्हें रास्ता दे देता, एक ऐसे अल्लाह वाले जब तक ये खाना नहीं खाते तब तक दरिया की कश्ती आगे नहीं बढ़ती। सुबहान अल्लाह। तो हम इन्हीं अल्लाह वाले वारिस अली पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी हिस्ट्री सुनेंगे। तो ये दरगाह शरीफ लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और बाराबंकी रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। हज़रत वारिस अली हाजी कादिर रहमतुल्लाह अलैह सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके विसाल से चंद दिन पहले ही आपके वालिद का विसाल, जिनका नाम हज़रत सैयद हाजी कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह था, आपका विसाल हो गया। जब आप पैदा हुए, जब आप छोटे से बच्चे ही थे, तभी आपके वालिदा का भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपकी दादी मोहतरमा ने की थी। जब आपकी उम्र 5 साल की हुई तब आपकी दादी मोहतरमा ने आपका दाखिला मदरसे में करवा दिया और 7 साल की उम्र तक आप हाफिज़े कुरान भी बन चुके थे। सुभान अल्लाह। आप बचपन से ही तन्हाई पसंद थे, दूसरे बच्चों की तरह अपना वक्त खेलने कूदने में नहीं गुजारा करते थे। बचपन से ही आपको गरीबों की मदद करना और मिस्कीनों का सहारा बनना पसंद था। जब वारिस अली पाक की उम्र 14 साल की हुई, आपके बहनोई पीरो मुर्शिद सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह विसाल हो गया और वारिस पाक को ही उनका जानशी बनाया गया। एक दिन वारिस अली पाक के ख्वाब में उनके पीर और मुर्शिद आए और उन्होंने उनसे फरमाया कि ए वारिस, आप सफ़र करिए और दीन इस्लाम को फैलाइए। पीर और मुर्शिद के हुक्म पे वारिस अली पाक लखनऊ से जयपुर गए, फिर वहाँ से अजमेर शरीफ चले गए और अजमेर शरीफ पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह पे हाज़िरी दी। अजमेर शरीफ से हाजिर देने के बाद आप फिर वहाँ से मुंबई गए और मुंबई से सन 1253 हिजरी में हज अदा करने के लिए मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए पानी के जहाज़ से। ये वारिस पाक का ज़िंदगी का पहला हज था जो उन्होंने समंदरी रास्ते से किया। जब आपकी कश्ती समुद्र के बीचों बीच में पहुंची, तो आपकी कश्ती रुक गई थी। वारिस अली पाक हज के लिए रवाना तो हो गए थे लेकिन उनके पास कोई भी खाने पीने का कोई सामान नहीं था, बस अल्लाह के भरोसे आप निकल पड़े थे हज के लिए। कई कई दिनों तक आपने फाके किए थे। जब आपकी कश्ती समुद्र के बीच में रुक गई थी तब कप्तान को समझ नहीं आया कि कश्ती आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो कप्तान मुसलमान था। जब वो रात को सोया तो उसके सपने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने फरमाया, लोग भूखे हैं और तुम सैर होके खाते हो। जब वो कप्तान सोकर उठा तो उसने ढूंढा लोगों को, कौन भूखा है, तो उसे समझ नहीं आया कौन भूखा है, तो उन्हें तमाम लोगों की दावत ले ली और खाना खिलाया। तमाम लोग आए लेकिन वारिस पाक उस दावत में शामिल नहीं हुए। जब वो कप्तान दोबारा फिर रात को सोया तो उसके सपने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने फरमाया कि लोग भूखे हैं और तुम सैर होके खाते हो। जब वो कप्तान सुबह उठा तो उसे ये बात समझ में नहीं आई अब कौन भूखा है, तो उस कप्तान ने फिर से लोगों की दावत की। फिर इस दावत में भी हज़रत वारिस अली पाक शामिल नहीं थे। तीसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कप्तान के सपने में आए तो सरकार ने वही बात फरमाई कि लोग भूखे हैं तुम सैर से खाते हो, तो उस कप्तान ने सबकी लिस्ट निकाली जो उस जहाज़ पर, पानी के जहाज़ पर शामिल थे, और एक कोने पे जब उन्हें वारिस अली पाक जब मिले अल्लाह का हम्द और सना करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, तो उन्होंने उनसे दावत के लिए इजाज़त मांगी, पूछी
आप दावत हमारी कबूल कर लीजिए। तो हज़रत वारिस अली पाक ने दावत को कबूल किया। तब जब उन्होंने दावत कबूल की, उन्होंने खाना खाया, तब कश्ती समुद्र में आगे बढ़ी। आप हज के लिए मक्का शरीफ पहुँचे। आपने हज किया और उसके बाद वहाँ से मदीने शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले गए। एक लंबे समय तक आपने मदीना शरीफ में कयाम किया, फिर वहाँ से निकल गए। आप लगातार 12 साल तक आपने सफ़र किया। इस सफ़र में आप बैतुल मुकद्दस, बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजफ अशरफ, ईरान, फ़लस्तीन, इजिप्ट, कुस्तुनतुनिया, तुर्की, दमिश्क, शाम, जर्मनी, बर्लिन का सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान बेशुमार लोगों से आपकी मुलाकात हुई। आप हज़रत ने दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए, लोगों की इस्लाह करते हुए ये सफ़र किया। जब वारिस पाक कुस्तुनतुनिया पहुँचे तो वहाँ के सुल्तान अब्दुल हमीद मजीद ने आपके हाथ पे बैत की। और वारिस पाक के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 10 हज किए। एक हज उन्होंने समुद्र के रास्ते से जहाज़ से किया, बाकी 9 हज उन्होंने पैदल किए। सुभान अल्लाह। और हज में हाजी लोग जिस तरह का लिबास बांधते हैं, वो लिबास हज का आपको इतना पसंद आया, उन्होंने ये लिबास सारी ज़िंदगी भर पहने रखा। एक मर्तबा आप जब अजमेर शरीफ की हाज़िरी के लिए जा रहे थे, तब किसी ने आपको रोका और कहा, शहंशाह के बारगाह में जा रहे हो और चप्पल पहन के जा रहे हो। फिर वारिस अली पाक ने चप्पल निकाला और चप्पल इस तरह निकाला कि उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर चप्पल पहना ही नहीं। और जब वारिस अली पाक अजमेर शरीफ की हाज़िरी के बाद जब अपने शहर लखनऊ पहुँचे, तब आपके तमाम रिश्तेदारों ने आपकी तमाम प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया था और आपके साथ बुरा सलूक करने लगे। फिर वारिस पाक ने इन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया और फिर सफ़र के लिए रवाना हो गए। एक मर्तबा का वाकया है, आप अपने मुरीदों के साथ शहर बहराइच के सफ़र पे थे। रास्ते में दरियाए घाघरा आ गया और उसको पार करने के लिए कोई कश्ती नज़र नहीं आ रही थी। दरिया भी बड़े ही ज़ोरों शोरों से बह रहा था। तो तब हज़रत ने फरमाया, इस दरिया को हम सब तैर के पार करते हैं। तमाम हज़रत के मुरीद तो डर गए, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद की बात पर अमल करते हुए वो सब पानी में उतरे साथ में और अल्लाह वाले के साथ चल पड़े। वो दरिया इतना गहरा था कि कोई भी शख्स उसमें आसानी से डूब जाता, लेकिन हज़रत का कदम रखते ही उस दरिया में उस दरिया का पानी घुटनों तक आ गया था और तमाम उनके मुरीदों ने दरिया पार कर लिया आसानी से। ये अल्लाह वालों की करामत है। सुभान अल्लाह, ये होती है अल्लाह वालों की शान। जब वारिस पाक देवा शरीफ में रहा करते थे, तब वहाँ के एक शख्स ने अफवाह फैला दी कि वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते। सरकार के मुरीद ने आके फरमाया कि आपके नाम की अफवाह फैला दी गई है कि आप मस्जिद में आके नमाज नहीं अदा करते। तो वारिस पाक ने फरमाया, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, चलो चलते हैं मस्जिद नमाज अदा करने के लिए। आप अपने मुरीदों के साथ मस्जिद तशरीफ़ ले गए। आपने इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने की नियत बांधी, पीछे इस इमाम के। और जब नमाज ख़त्म हो गई तो आप हज़रत ने इमाम साहब को बुलाया और उनसे फरमाया, सुनिए इमाम साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आज आपने मुझे बहुत थका दिया। अब इमाम साहब परेशान हो गए कि हज़रत, मैंने आपको कैसे थका दिया, मैंने तो बस नमाज़ पढ़ाई है। आपके पीछे नमाज अदा करने से पहले मैंने नियत बांधी पीछे इस इमाम के, यानी आप जो जो करेंगे मैं आपको फॉलो करूंगा। जैसे ही आपने नमाज शुरू की, आप किराने की दुकान पे चले गए, मुझे भी आपके पीछे पीछे आना पड़ा। फिर आप अपने घोड़े का चारा खरीदने चले गए, मुझे भी आपके पीछे पीछे आना पड़ा। फिर आप इसके बाद किसी और काम के लिए निकल पड़े थे, तो मुझे भी आपके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। तब जा कर के आपकी नमाज ख़त्म हुई, तो मुझे आपने आज बहुत थका दिया। लोग समझ गए कि हज़रत क्या फरमाना चाह रहे थे, यानी कि इमाम साहब के दिल में जो जो बातें इमाम साहब सोच रहे थे, अल्लाह की दिए हुए इल्म से वारिस पाक को ये बातें पता चल रही थी। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, ये थे वारिस पाक। जब अल्लाह का वली नमाज पीछे पढ़ रहा हो तो इमाम भी अल्लाह का वली ही होना चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि वारिस पाक ने फरमाया कि मैं उस वक्त किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ूंगा जब नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम
अली हुसैन अशरफी मियाँ हों, इमाम हों, तो मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वारिस पाक ने आला हज़रत अशरफी मियाँ की भी शान बयान कर दी कि आला हज़रत अशरफी मियाँ कितने खूबसूरती के साथ नमाज अदा किया करते थे। सुबहानअल्लाह।